अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ ट्रैवल व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। हम जा रहे हैं जी अपने शहर से, पहले लाहौर जाएंगे बाय ट्रेन। और ये देख सकते हैं कि पीछे लगेज था हमारा सबका। हम बेसिकली फैमिलीज में, लाइक हमारी फैमिली और उसके साथ साथ चार पाँच फैमिलीज और थी जो जा रही थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स लाहौर बाय ट्रेन, और कोट लखपत ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। सो अब हम लोग लाहौर से जाएंगे इस्लामाबाद, वो भी ट्रेन के थ्रू जाएंगे। हम लोग एक फैमिली शादी अटेंड करने जा रहे हैं, फैमिली वेडिंग। सो हमने सोचा कि ट्रेन को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारी फैमिली नहीं थी, साथ में चचों की फैमिली थी, और मतलब हम पांच छह फैमिलीज थी। सो हमने डिसाइड किया, स्टे किया था, खाना वगैरह खाया था, और अभी हम लोग बस इंतज़ार में है कि ट्रेन चले। और ये ट्रेन में बैठ चुके थे हम, और बिलीव मी लाहौर से पिंडी तक जो ट्रेन का सफ़र था बहुत अच्छा गुजरा, हमें बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया हमने। सो जब ही मैंने व्लॉग शूट किया था तब 12 रबी अव्वल थी, और इसीलिए आपको दरमियान में थोड़ी सी लाइट्स नज़र आएंगी। ये वीडियो बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी, लाइक 45 to 50 मिनट्स की थी, जिसको मैंने कट कर करके और उसकी स्पीड बढ़ा के मैंने तकरीबन 9 मिनट और समथिंग की है, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं, और ज़्यादा लंबी वीडियो में सिर्फ सफ़र ही दिखाया जाए तो आई थिंक वो भी बोरिंग हो जाता है। बाकी अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी किया कीजिए, और कमेंट में भी अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए, और मुझे बस सजेशंस भी दिया कीजिए कि किस तरह की वीडियो, किस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं। वीडियो शेयर करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, और बहुत से लोग जो इन टच मुझसे कनेक्टेड हैं वो लोग गिला करते हैं कि भाई वीडियो नहीं अपलोड करी। सो स्टडी के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो को अपलोड करना, बहुत ज़्यादा मटेरियल मैंने शूट किया हुआ है, लेकिन उसको एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना ज़रा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए ज़रा मुझे देर हो जाती है, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो को जो है किसी भी वीडियो को अपलोड करती हूँ। बेसिकली हमारी फैमिलीज़ में दो शादियां थी जिसको हमें अटेंड करना था। सो हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया, और जब आपकी क्लोज वेडिंग हो तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता है, और जब डेस्टिनेशन वेडिंग हो। सो बेसिकली हम लोग पहले लाहौर से रावलपिंडी गए थे, फिर हम लोग वहाँ पे दो कज़न्स की शादी थी, बहन भाइयों की, पहले जो है मेहंदी थी, फिर उसके बाद जो बारात थी भाई की, वो हम रावलपिंडी से रायबिंड आए थे बारात लेके। सो वो हम लोग आए थे थ्रू मोटरवे, उसका भी ब्लॉग मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने सब कुछ शूट करके रखा हुआ है बट टाइम नहीं मुझे मिलता। सो अब हम लोग जो है रावलपिंडी पहुँच चुके हैं, और
वीडियो को मैंने इसलिए स्पीड अप किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि इतना लंबा कंटेंट कोई देखता नहीं और बोर हो जाते हैं लोग मोस्टली। सो यहाँ पे जितने भी बच्चा पार्टी थी, जितने भी भाई थे छोटे छोटे, सबको हमने लगेज दे दिया था, भाई जाओ करो तुम लोग। तो यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट लाइक डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है वैंस करवाई है, एंड हियर वी गो। हम लोग सारी रात जागे थे और जितने भी बच्चा पार्टी थी, मतलब हमें नींद भी नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमें जाने की। और जब इतनी क्लोज वेडिंग हो और इतनी दूर हो तो फिर और ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट होती है और ज़्यादा आपको मज़ा आता है। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, और स्पेशली जब ज़्यादा फैमिलीज हो, लाइक आपकी फैमिली तो है लेकिन उसके साथ साथ चच्चू की फैमिली है, तायाबू की फैमिली है, साथ में पप्पू है, लाइक 5-6 फैमिलीज थी जो हम लोग गए थे, और कज़न हो साथ में तो और ज़्यादा आपको मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनती हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से किस किस ने इस तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड की है और उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। सो हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।